परंपरागत तरीके से ही इसका सेवन करते हैं, लेकिन आदिवासी कभी भी शराब के नशे में दुराचरण नहीं करते, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते, उनके किसी भी आचरण संबंधी अवहेलनाओं की कोई शिकायत नहीं आती। ये सब उन समाजों की आती है जो आदिवासी नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम यही विचार कर रहे थे कि इसका रास्ता कैसे निकाला जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि कोरोना ने वो सबक सिखा दिया कि कोरोना काल में जब तक शराब की दुकानें नहीं खुली, एक सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा कि शराब नहीं पीने से कोई मर गया हो, और उसके बाद पूरे टाइम उदाहरण मिल रहे हैं कि शराब के कारण लोग मर रहे हैं। इसलिए महिलाओं की इज्जत, दुर्घटनाओं की कमी, स्वस्थ समाज की रचना, ये सरकारों की जिम्मेवारी है। और महिलाएं सुरक्षित रहें, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। तो ऐसी स्थिति में ये शुरुआत एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो, ये मैं खुलेआम बोली हूँ। और इसमें बोलने के पीछे किसी को छोटा दिखाने का मन कहीं नहीं है। तो इसलिए मेरे मन में है कि ये बात आगे बढ़े। घाटे की जो बात आई कि इसमें राजस्व का घाटा होता है, अब जब हम आत्मनिर्भर भारत का एक ड्राफ्ट बना चुके हैं तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें ढूंढ ली जिसमें कि स्वदेशी स्वावलंबन व स्वरोजगार की ओर हम जा रहे हैं। अब तो हम वो सारी चीज़ें बनाने की तैयारी कर रहे हैं भारत की धरती पर जो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्व को निकालने के लिए हम मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्व भारत का सबसे बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है, नर्मदा जैसी नदी है, यहाँ पर बहुत अच्छा स्वस्थ बहुत अच्छे तरीके से गऊ पालन नर्मदा के दोनों किनारों पर हो सकता है। मतलब मिल्क रेवोल्यूशन, सफ़ेद क्रांति जो है, श्वेत क्रांति दूध की जो आनंद में हुई, वैसी यहाँ पर पूरे नर्मदा के किनारों पर दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि इसकी एशिया की सबसे अच्छी ज़मीन है नर्मदा के किनारे। इसलिए उस समय भी वो विचार हुआ था, और मैं अब शिवराज जी से बैठ के बात करूंगी कि वो ड्राफ्ट निकाला जा सकता है जो अधिकारियों ने, मैंने उनको कहा था। उस समय राजस्व कम हो रहा था, करीब 1,500 करोड़ की वसूली थी राजस्व की, अब ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो वो रास्ता निकाला जा सकता है कि उससे ज़्यादा ही वसूली और कहाँ से कैसे हो जाए, समाज पर कोई बोझ बने बगैर, कीमत पर हम धन की उगाही करें। इसलिए मैं अंत में फिर कहूँगी कि मुझे तो ऐसे लगता है जैसे माँ खुद अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर पिलाती है। जब हम खुद कह रहे हैं कि ये गलत चीज़ है, सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं नशाखोरी के हम समर्थन नहीं करते, ऐड आते हैं सरकार की तरफ से, और दुकानें भी हम खुद ही खुलवाएं। अब फिर मैं उसी बात को फिर रिपीट कर दूंगी कि ये सच्चाई भी निकल के सामने आई है कि घोर प्रतिबंधों के बावजूद भी जिन राज्यों में प्रतिबंध रहे वहाँ लोगों ने पी है शराब, लेकिन फिर शाहनशाहों की तरह नहीं, चोरों की तरह पी, और वो उसके लिए दंडित हुए हैं जो पकड़े गए। मैं इसके साथ इस बात को समाप्त करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ें अपने जीवन में रास्ते पकड़े वो छोड़े नहीं थी मंजिल तक पहुँचने तक। अयोध्या थी, तिरंगा था, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मसला था, असम और त्रिपुरा में हो रही घुसपैठ थी, उसी का परिणाम है कि आज वहाँ सरकारें हैं, घुसपैठ के खिलाफ सरकार बनाने की चुनौती दी गई थी तो वो भी कर लिया था। तो अब अगर ये रास्ता पकड़ा है तो मुझे आप लोग का सहयोग चाहिए, इसलिए मैंने आपको एकदम इस भाव से बुलाया है कि सबका सहयोग चाहिए, तो कम से कम मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल स्टेट बन सकता है और इसकी फेजिंग की जा सकती है। देखिए ये दबाव में नहीं होगा, दबाव बना के और नहीं करना ही पड़ेगा, भय से भी नहीं होगा कि हमने कहा है तो करना पड़ेगा। दबाव और भय दोनों से मुक्त होना पड़ेगा। दबाव और भय तो माफिया पे बनाना पड़ेगा और पीने वाले लोगों पे बनाना पड़ेगा। सरकारों को दबाव और भय से मुक्त होकर के नशाबंदी की व्यवस्था के फेज अगर बना लेंगे तो उसमें सफलता हो सकती है। और इस पर मैं बहुत लंबा विमर्श करूँगी आप लोग के साथ भी, मध्य प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ भी और महिलाओं के साथ। समर्थन होता ही है और सामाजिक सोच होता है, तो अभियानों की और आंदोलनों की जरूरत पड़ती नहीं है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि जैसे शिवराज जी का वक्तव्य आया ही कि हम दुकानें नहीं बढ़ाएंगे, एक अच्छी बात होगी। नरोत्तम जी ने भी यही कहा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आज मैंने उनका भी बयान पढ़ा या शायद कल ही उनका आ गया था। हमारे यहाँ सरकार में इसको लेकर कोई मतभेद है नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि एक विमर्श इस पर होना चाहिए। एक तो होता है अभियान और एक होता है आंदोलन। इसमें आंदोलन की जरूरत नहीं है, अभियान की जरूरत है। अभियान जो होता है ना वो चिंतन के रूप में ज्यादा होता है, चिंतन और विमर्श की। राजस्व का क्षतिपूर्ति, और राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए ग्रुप बनाया जा सकता है। मैंने तो पहले ही कहा कि फेजिंग करनी होगी, दबाव नहीं, दबाव व भय में काम नहीं करना है, विश्वास के साथ काम करना है कि हमें ऐसा करना है, और अगर हमें ऐसा करना है तो इससे जो क्षति होगी उसकी पूर्ति फिर हमें कहाँ से करनी है।
तो उसके रास्ते निकलेंगे, राजस्व के रास्ते। और जैसे मैं अपना बताती हूँ, उस समय मैंने कहा कि अच्छा जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के पोस्ट हैं दूसरे राज्यों के, वो सब उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दो पूरा, तो उसी में हमें कम से कम 1,000 करोड़ की प्राप्ति होने वाली थी उस समय। तो 1,500 करोड़ हमें ऐसे ही सोच लिए थे कि कैसे कैसे निकालेंगे। तो यहाँ टूरिज़्म है, प्रहलाद पटेल ने बहुत अच्छी योजना बनाई हुई है टूरिज़्म के लिए। मध्य प्रदेश में इको टूरिज़्म की बहुत बड़ी मात्रा है जो केरल और राजस्थान को पीछे छोड़ सकता है मध्य प्रदेश। इसलिए राजस्व की वसूली क्षतिपूर्ति के तौर पर कैसे होगी, इसके लिए एक ग्रुप बनाया जा सकता है अधिकारियों का और मंत्री का, जो एक निर्णय करके दे सकते हैं कि ऐसे होगी। दूसरा, फेजिंग हो सकती है, राजस्व की वसूली हो सकती है। मैं यहाँ खुद दावा करती हूँ कि मैं 1-2 महीने के बाद आपके बीच में फिर प्रेस करूँगी और मैं बताऊँगी खुद कि देखो राजस्व की वसूली ऐसे हो सकती है अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो। दूसरी बात आ गई कि आबकारी विभाग ने कलेक्टर को लेटर लिखा है, तो जब शिवराज जी ने खुद ही घोषणा कर दी, अभी उन्होंने कल ही कहा कि अभी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं, हमने निर्णय नहीं लिया है, तो उस वो लेटर का अभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तब तक जब तक कि सरकारी स्तर पर निर्णय नहीं हो जाता है। तो सरकारी स्तर पर इसके संबंध में कोई निर्णय की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ये जो पत्र है वो तो एक प्लानिंग के लेआउट के लिए लिखेंगे ही विभाग के लोग, अगर ऐसा होगा तो तुरंत तो तैयारी नहीं हो सकती है, वो तो सरकार के निर्देश का ही पालन करेगा ना, आपका भी विभाग है उसी का पालन करेगा। मैं तो मैदान में हुई और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा, क्योंकि समाज का वातावरण ऐसा है, आप सबका भी मनोभाव यही है, समाज का ही मनोभाव ये है। तो जब समाज का मनोभाव होता है तो सरकार उस मनोभाव से अवगत नहीं, ऐसा नहीं है, खाली उसको उस मनोभाव के प्रति अवेयर कराना होता है कि देखो ये ऐसा मनोभाव है। दूसरा, उनके मन में जो आशंका और भय होते हैं जैसे राजस्व की क्षति, उसका समाधान निकालना होता है। अब जो महुआ वाली, महुआ की ब्रांडिंग की बात आई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं तो मैं इस पर बोल नहीं सकती हूँ। मैं तो स्वाभाविक भाव से कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग हैं, और इसलिए जब मैंने पॉलिसी बनाने की बात कही थी तो उस समय पर ये पक्ष भी सामने आया था कि इसको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, उसका प्रकार क्या हो सकता है, और सामान्य जन जो सड़कों पर चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उन पर कैसे लगाया जा सकता है, वो मैं बात कह रही हूँ। तो इस पर जब विचार विमर्श चलेगा तो आपका ये जो पक्ष है, जो सवाल आपने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बात है। नहीं, मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है शराब, उत्तर प्रदेश में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं, राजस्थान में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं। ये जहरीली शराब से मृत्यु और शराबी लोगों के द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में किए जाने वाले दुराचरण और सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाएं, जो कैजुअलिटीज आ रही है अभी एम्स में, उसमें लगभग 15% सड़क दुर्घटनाओं की, जो दुर्घटना मतलब जो लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में, वो 15% हो गया है दुर्घटनाओं का। और दुर्घटनाओं के 15% में 99+ हाफ% शराब कारण है। इसलिए ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन की रक्षा का जब सवाल आएगा तो वो किसी एक राज्य की सीमा में नहीं होगा। मैं तो शिवराज जी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि योगी जी हैं, संत हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन पर बात की तो मैंने उनको यही कहा कि देखो महाराज, कितना अच्छा हुआ लॉकडाउन में ये खुल गया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा कि मैंने शराब नहीं पी इसलिए मर गया, जबकि कोरोना से लोग मरे, अन्य कारणों से लोग मरे। तो मैंने कहा देखिए एक अवसर हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ हम इसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा कम से कम ऐसी शुरुआत कर दीजिए कि सार्वजनिक स्थान, मंदिर, स्कूल, महिलाएं जहाँ इकट्ठी होती हों, वहाँ जो दुकानें पहले खुली हुई थी वो मत खोलिएगा। तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया और लगभग वैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में ही ये बात नहीं है, ये बात एक सार्वजनिक है। मध्य प्रदेश में आसानी है, शिवराज जी के मुख्यमंत्री होना एक कारण है, और प्लस मध्य प्रदेश में मेरा सबसे परिचय होना एक कारण, और कोई कारण। अब दो सवाल है, राजस्व के लिए मेरे को कोई, मैं तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब बहुत दिमाग पर, क्योंकि बजट तो मैंने बांटे हैं ना, मेरा 1.5 लाख करोड़ का बजट था वाटर रिसोर्स का, तो बजट का आवंटन तो मैं ही करती थी। इसके पहले मैं कोयला और खदान की मंत्री थी, जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री थी अटल जी के साथ, तो भी बजट बांटती थी। यहाँ जब मुख्यमंत्री बनी तो भी मैं बजट बांटती थी, तो इसलिए बजट बांटना तो मुझे आता है। और अभी गंगा जी के समय पे मुझे ये भी आया कि और कहाँ कहाँ से इनकम हो सकती है सीएसआर फंड से, और कैसे, जिसमें कि हमें सरकार से कम लेना पड़े, तो इसलिए उतना ही आता है। बाकी बहुत बड़े एक्सपर्ट लोग हैं मध्य प्रदेश में, तो बहुत अच्छे इसकी समझ रखने वाले लोग हैं, हाँ उनके साथ बैठूंगी, बात करूंगी। और शिवराज जी स्वयं, आपको ऐसा लगता होगा कि वो राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, नहीं वो आर्थिक सोच रखने वाले व्यक्ति भी हैं, उनने घोर संकट के काल में निकाला है साहब। आप कमलनाथ जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया, 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और शिवराज लगातार चुनाव जीतते गए, उस समय पर भी राज्य की विकास की कोई धारा नहीं रुक पाई थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं रुक पाया था, और केंद्र सरकार से राशि ले लेते थे वो। तो इसलिए
इसके लिए सिर्फ एक गृहिणी के जैसी चिंता जरूरी होती है कि इतना पैसा आ रहा है तो घर कैसे चलाना और बचाना कैसे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ पर माफिया बहुत सारे हैं, शराब माफिया है, क्या बोलते हैं, रेत माफिया है, खनन माफिया जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन माफिया है, और एक पावर माफिया और हुआ है, पावर जनरेशन वाला, जो इतने जल्दी पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लियरेंस लेने में माहिर होते हैं, और वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो उसका विरोध करे वो विकास के विरोधी कहलाने लग जाते हैं। ये मैंने पावर माफिया का मैंने सामना किया है ना, क्योंकि गंगा जी पर जो उत्तराखंड में लगने वाले पावर प्रोजेक्ट थे उसमें 40,000 करोड़ का निवेश था 72 पावर प्रोजेक्ट में, और मेरा ये कहना था कि गंगा की जो मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं उनका प्रवाह नहीं रुकना चाहिए, नई डिजाइन होनी चाहिए कि उसमें से एक धारा बिना अवरोध के निकलती रहे, तो उनको रीडिजाइन करना था, उसमें उनको प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। उत्तराखंड में मेरे खिलाफ आंदोलन शुरू करवा दिया गया कि हमें उत्तराखंड का विकास रोक रही हूँ, तब मैंने लिखित में ड्राफ्ट बता के दिया कि उत्तराखंड की 12% की क्षति है पावर जनरेशन की, वो हम नेशनल ग्रिड से दिलवाएंगे, उनको सब्सिडी मिलेगी। शराब माफिया, खनन माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया और पावर माफिया, ये बहुत व्यापक है। मंडलीक मणि रावण राज करे निज तंत्र, ये अपने पूरे तंत्र को फैला कर रखते हैं। इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ साहस चाहिए होता है, बाकी ये कहीं हानि नहीं कर सकते। ये देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि आबकारी विभाग बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था, अभी जो बातचीत शुरू हुई है, जो विमर्श सरकार के स्तर पर भी शुरू हुआ है, जिसमें स्वयं आबकारी मंत्री का भी बयान आया है, तो इसलिए मैं उस बयान को महत्व दूंगी ना, बॉर्डर तो वापस भी हो जाते हैं सरकार जब फैसले पे आ जाए। माफिया का जो जाल होता है उसका संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं होता, उनकी निष्ठा सिर्फ मुनाफे से होती है, और इस मुनाफे से और ज्यादा मुनाफे से होती है, इसलिए वो किसी एक दल के द्वारा ना पालित और पोषित होते हैं, ना वो एक किसी एक दल के प्रति उनकी निष्ठा होती है। ये तो विभिन्न दलों की जो सरकारें होती हैं उनके अंदर इतना साहस चाहिए होता है कि वो उन पर कंट्रोल करने के निर्णय ले सकें। इसलिए मैं माफियाओं को किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं जोड़ सकती, ये तो पनपे हैं, उसमें मीडिया वालों को भी अपना रोल निभाना पड़ेगा। फिर मैं आप उस पर मत आ जाइएगा कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि आप कहें कि लो आपने ऐसा कह दिया, क्योंकि मैंने देखा है कि संवाददाता और संपादक स्वतंत्र चेतना से कई बार लिख नहीं सके और छाप नहीं सके और कई बार रिपोर्टर दिखा नहीं सके, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर, बहुत ऊपर कहीं बैठा हुआ था, जो या तो कंस्ट्रक्शन में था या पावर जनरेशन में था या रेत खनन में था, और कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरी बुद्धि ही खरीद लेने की कोशिश हुई, और कई लोग इसलिए इस्तीफे दे दे के भाग गए कि हम स्वतंत्र चेतना से काम नहीं कर पाएंगे, वो टीवी पर भी हुआ, वो अखबारों पर भी हुआ। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम उस विषय पर ना जाएं जिससे कि मुझे इतना विरोध का वातावरण तुरंत बना दिया जाए कि मैं बात ही ना कह सकूँ, उस पर मत जाइए। सिंधिया जी जब 4 साल के थे तो मैंने उनका फोटो देखा, उस समय पर मैं करीब 11-12 साल की थी, मैं राजमाता जी के घर पर भोजन करने गई हूँ, तो मुझे वो बहुत सुंदर बालक लगे, वो वहाँ थे नहीं, फोटो लगा हुआ था, तब से मेरे मन में उनके प्रति अपार स्नेह पैदा हुआ। उसी समय मेरे और सिंधिया जी के बीच में शायद 10-11 साल का ही अंतर है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल छोटा प्यारा लाडला भतीजा यही भाव आया, और इसलिए वो पड़ोस में आ गए हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वो बहुत सभ्य, शालीन, विनम्र और बहुत ही वेल मैनर्ड व्यक्ति हैं, और जो लोग कहते हैं ना महाराजाओं वाले नखरे, ये सब मेरे में हूँ महाराजाओं वाला नखरा करने वाला व्यक्ति, वो कहीं से भी नहीं, वो तो बहुत सरल और सौम्य है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भतीजा मेरे बगल में रहेगा। हमारी जोड़ी हमेशा रही, जब वो कांग्रेस से चुनाव लड़े तो मैं उनके यहाँ चुनाव प्रचार करने जाने से मना कर देती थी कि उनके यहाँ नहीं जाऊंगी मैं, और मैं बोल देती थी कि अच्छा वसुंधरा जी को बुलाओ तब मैं आती हूँ, वो भी नहीं आती थी, मैं भी नहीं जाती थी। एक ही रिश्ता है जो मैंने जीवन में निभाया है जिसमें कि हम उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए, तो आप इसी से समझ जाइए कि हमारी जोड़ी हमेशा रही है, पहले भी रही है, मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद उनके प्रति रहा है, और वो मेरा बहुत आदर करते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, और मैं उनके उनको कोई संकट खड़ा करेगा तो सबसे पहले मैं सामने आऊँ। मुझे सरकार से जो कहना है उसके लिए मैं आज मीडिया व चैनल को माध्यम नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमारी बात होती है, मैं उसी पार्टी में हूँ जिसकी सरकार है, तो इसलिए मैं उनसे बैठ के बात कर सकती हूँ ना, जिन ये बात भी तो बात हो सकती है, ये भी तो अपोजिट हो गया। आप सरकार एक तरफ राजस्व बढ़ाने की बात कर रही, शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रही, और आप उस शराबबंदी की बात कर रही, तो सरकार और पार्टी के खिलाफ हो गई बात आपको लगे? नहीं, ये विमर्श चल रहा है, और विमर्श में जरूरी नहीं होता है कि सब एक ही बात एक साथ बोल पड़े, जब निष्कर्ष आ जाता है तब एक बात बोलनी जरूरी होती है, लेकिन जब विमर्श के स्टेज पर कोई बात होती है तो लोग अपना मत देते हैं। अयोध्या आंदोलन का आपको याद नहीं होगा,
क्योंकि हमारी ही पार्टी के कई नेता अपना अलग मत देते थे और हम उसको ये नहीं मानते थे कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि एक निष्कर्ष जब आ जाए तो उस समय पर निष्कर्ष में सबको एक होना, निष्कर्ष पे वक्तव्य होना। अभी तो विमर्श चला, अभी निष्कर्ष नहीं। मुख्य मुद्दा है, लेकिन मुख्य मुद्दा तो जहरीली शराब है, ऐसे में ये नया विषय आ गया। जो मुख्य मुद्दा तो जहरीली शराब से लोगों की मौत है, जहाँ जहाँ शराब की दुकानें हैं जो बहुत आंखों में है वो तो ठीक है, अन्यथा अधिकतर जगहों पर नकली शराब है ही, उसमें मिलावट है ही। इसलिए जहरीली शराब किसी एक आइसोलेटेड एरिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश की दुकानों का मुद्दा है, पूरे देश की शराब की दुकानों का मुद्दा है। क्योंकि जहरीली शराब से मृत्यु खाली मध्य प्रदेश में नहीं हुई, वो खाली एक इलाके में नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपस की बातचीत, एक सामाजिक वातावरण और उसमें आप लोग का सहयोग, ये बात अभी इसी स्टेज पर रहेगी। मैं आपस में भी बातचीत करूंगी, मैं मिलूंगी जैसा कि मैंने आपको कहा। दूसरी बात जो आपने कही है, तो बात कहने का तो मौका होनी चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। अब क्या परिस्थितियां बनती हैं, सामने वाला क्या उत्तर देता है, उसको मैं बता नहीं पाती। कुछ बातों को मैंने इसलिए सार्वजनिक किया है, ये दोनों विषयों को, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी अगुवाई करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। जब मैंने पार्लियामेंट में आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का मसला उठाया तो पार्टी का एजेंडा नहीं था, तो पार्लियामेंट उस समय के लिए एडजर्न हो गई। तुरंत देवगौड़ा जी जब प्रस्ताव लाए तो उन्होंने तुरंत वापस किया उस प्रस्ताव। मैंने कहा आप इसको वापस लीजिए और पहले सभी वर्गों का समावेश इसमें कैसे होगा इसकी व्यवस्था को लागू करिए इसमें। तो पार्लियामेंट तुरंत एडजर्न कर दी गई क्योंकि एकदम हंगामा हो गया। मैं बाहर आई तो मुझे, मैं आपको अटल जी की बात बताती हूँ, अटल जी ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या हो गया, क्योंकि सभी ये निर्विरोध प्रस्ताव आ रहा था 35% आरक्षण का, उसमें मैंने ये पॉइंट रेस कर दिया और जिस पर देवगौड़ा जी ने उस प्रस्ताव को वापस लिया और कहा कि इस पर विचार करके वापस आएंगे। तो मैंने अटल जी से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और ये चीज़ उन वर्गों को पता लगनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात कही है। तो कुछ बातें हम, तब अटल जी ने मुझे कहा कि नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया, उनने मुझे तुरंत कहा कि नहीं तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने कहा देखिए कुछ बातें हम अकेले में करते रहे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि हम उनकी बात कह रहे हैं। अब मेरा देखिए मेरी हालत क्या होती है चुनाव में, अब मैं लंबे लंबे उत्तर देना शुरू करूंगी क्योंकि शुरू में मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। चुनाव होगा, कहीं दूर चले जा रहे हैं, एक घंटे हेलीकॉप्टर में फ्लाई करते होंगे, तो मैं पूछ रही भैया पूरा एक घंटे के नीचे तो कम से कम 20 विधानसभाएं निकल गई, वहां क्यों नहीं गए? कहीं नहीं, वहां लोड ही बहुत ज़्यादा है जहां आपको ले जाया जा रहा है, डेढ़ घंटे की फ्लाइंग करा रहे हैं फलानी। तो अपने फिर बाद में जब चुनाव हो जाएगा, सरकार बनेगी, अब मैं उनकी बात खुलेआम नहीं बोलूंगी तो मैं तो उनके सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी वोट मांगने के लिए। मैं तो सबकी हूँ, सर्वजन समाज की हूँ, अयोध्या आंदोलन किसी एक समाज का नहीं था। मैं तो ब्राह्मण समाज को जाके भी कह दूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। तो मैंने कई जगह के चुनाव के नतीजे पलट दिए जाकर के लोगों के बीच में, तो इसलिए, या किसी भी समाज के बीच में मैं जाके कह दूँ कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं आपकी भी हूँ। लेकिन ये बात होती है तो हमें खुलेआम उनके पक्ष में बोलना पड़ता है। ओबीसी के लिए मध्य प्रदेश में 91% है ST, SC और OBC, 91%। अब 91% ST, SC और OBC है सरकार में, उसका प्रतिनिधित्व अगर नहीं दिखता है तो कोई बोल ही नहीं रहा है, ये तो उनको नहीं लगना चाहिए ना। सरकार कर पाती है कि नहीं, उसके कई कारण होते हैं, शिवराज जी कर पाते हैं कि नहीं या योगी जी कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है, ये कुंठा तो उनके मन में नहीं आनी चाहिए ना। ये हताशा जो है ये एक अराजकता का निर्माण कर, इसलिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी बात बोल रहा है, और उसको कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। मैं फिर एक, मैं आपकी बात को मैं उदाहरण दूंगी, शंकर गुहानी योगी का, जब तक वो जिंदा थे नक्सलवाद नहीं आ पाया छत्तीसगढ़ में, तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था लेकिन कहलाता छत्तीसगढ़ था। शंकर गुहानी योगी की हत्या करवा दी पूंजीवादियों ने, पूंजीपतियों ने, उसके बाद नक्सलवाद बढ़ गया क्योंकि शंकर गुहानी योगी दलित और वंचित वर्गों की आवाज़, दलित से मेरा मतलब एक कास्ट, खास कास्ट नहीं है, जो भी अप्रेस्ड क्लासेस थी उसकी आवाज़ थी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, तो नक्सलवाद पनप नहीं पा रहा था क्योंकि नियोगी उनकी आवाज़ बन गए थे। मैं नियोगी की समर्थक नहीं थी लेकिन मैं बता रही हूँ आपको। इसी तरह से ST, SC और OBC मध्य प्रदेश में 91% है, 91%। अब उनकी सरकार में कितनी भागीदारी हो पाती है वो अलग विषय है, सरकार बनाने वाला व्यक्ति को कई चीज़ों को देख करके निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन उनका कोई बोलने वाला नहीं है उनकी तरफ से। अगर ये भाव उनके अंदर आ गया तो फिर हम अराजकता का निर्माण करेंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, ये मैंने आपको कहा ना विमर्श करना है ना, अभी तो विमर्श में ये भी देखना है कि ये कैसे रोकना, फिर ये रुका है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रुका है, और कहीं हुआ भी
हरियाणा में जब बंद हुआ तो मैं अडवाणी जी की यात्रा की प्रभारी थी, पटना से जम्मू तक, स्वराज तक की उनकी यात्रा थी। तो मैंने भारी भीड़ देखी सहारनपुर के बॉर्डर पे, तो मुझे लगा अरे बहुत भीड़ स्वागत करने आई, तो उन्होंने बताया कि नहीं, हरियाणा में शराब बंदी है और इधर नहीं है, तो ये तो बोलोगे यहाँ पर। तो एक ये भी दृश्य मैंने देखा, और एक मैंने नीतीश कुमार का भी देखा कि वो अड़े रहे अंत में, और उन्होंने कहा ठीक है हमारे मंत्री एक आध पकड़े गए पीते हुए, विधायक पकड़े गए, लेकिन ये चोरों की तरह पीते हुए पकड़े गए, शाम शाह की तरह नहीं पी पाए। तो ये सारी चीज मैंने आपको कहा ना, इसमें दबाव और भय से मुक्त होकर, क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक विषय है जिसमें सामाजिक चेतना चाहिए और राजनीतिक साहस चाहिए, तो ये सारे डायनेमिक्स को देख करके इसकी फेजिंग करके ही करना होगा, फेजिंग करके। अब रही है सस्ती और महंगी की बात, तो आप हार्डकोर मिलिटेंट से बात कर रहे हैं ना, आप पूछिए मुझसे राम जन्मभूमि पे क्या बनना चाहिए, क्या मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं शुरू से बोली वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी कि ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, दिग्विजय सिंह एक बहुत पढ़े लिखे नेता, मैं दिग्विजय सिंह को मुझे अब मैंने पहले कहा ना कि पहले वाला हो गया सपाटी वाला, अब मैं धीरे धीरे उत्तर दे दिया प्रश्न का, दिखाओ नहीं दिखाओ आपको, लेकिन कम से कम बैकग्राउंड बन जाती है ना, क्योंकि हमारे आपके संबंधों में बैकग्राउंड जरूर रहनी चाहिए मूल में क्या था। मैं उनको जानती हूँ, मैं 8 साल की थी उनके यहाँ में प्रवचन करने गई राघवगढ़ दीदी सामने, तो किले में मुझे अच्छा लग रहा ना देखने, किले में मेरे को भोजन के लिए बुलाया गया, तब दिग्विजय सिंह जी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बिल्कुल आए ही थे, तब से उनके परिवार में मेरा सम्मान होता रहा और वो मेरा सम्मान करते रहे, और मैंने देखा कि वो कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता होते हुए भी कांग्रेस में भी अपनी जगह नहीं बना सके, जो उनकी जगह हो सकती थी इतनी योग्यता होते हुए। इसका कारण है कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका मुंह है, उनका खुद का मुंह, खुद की जीभ उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और ये उनके कंट्रोल में नहीं है। इतना योग्य, इतना सामर्थ्यवान और एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसी सोच रखता है जिसमें कि वो सबकी भावनाओं का आदर करके चलने, मैंने कहा ना मैंने उनके यहाँ भोजन किए और वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरे गुरुजी का जब भी मैंने कार्यक्रम किया अपने यहाँ पे तो दिग्विजय सिंह जी आते रहे उसमें, मेरे गुरुजी की अब दक्षिणा दे दी, लेकिन नियति का है ना, मैंने कहा ना जवानी कंट्रोल में नहीं है, तो निकल गया मुझे साथ में, ये भी निकल गया, दान भी दिया और दान पूरा आस्था से दिया होगा ये भी मैं आपको बताऊँ, लेकिन साथ में ये भी निकल गया। यही तो चीज़ है जो दिग्विजय सिंह का दुश्मन है, और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह आज वो हैं जो वो हैं, जिससे बेहतर हो सकते थे। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना ये सबने तय कर रखा है, क्योंकि एक बार किसान इकट्ठे हुए थे, मैंने अंत में बैतूल में बोला, और जो मैंने बोला ऐसा नहीं मैंने नहीं बोला, एक अखबार ने एक अच्छे बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने उसको बहुत अच्छे ढंग से दिया, मैंने एक त्रासदी देखी जब महेंद्र सिंह टिकैत और शरद जोशी इकट्ठे हुए थे 89 में, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के विजय चौक पर, वो दोनों में तो मतभेद नहीं हुए लेकिन उनके समर्थकों में मंच पे ही आपस में भिड़ंत हो गई, और परिणाम ये निकला था कि वो किसान आंदोलन किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। आज 30 साल के बाद ये मौका आया कि किसान इकट्ठे हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं, और सरकार को भी मौका आया, ये दोनों को मौका है, सरकार को भी मौका है कि वो इस माध्यम से उन सारी बातों को कर सकते हैं जो कि सोच रहे थे, हम सोच रहे थे जब हम सरकार में थे, नहीं थे, किसानों के बारे में हमेशा सोचा, गुजरात किसानों का ही राज्य है, गुजरात की इकोनॉमी का मूल आधार तो किसान ही रहा, उद्योग तो बाद में आए हैं, तो इसलिए मोदी जी के सामने भी एक बहुत बड़ा अवसर आ गया है, मोदी जी की सरकार के सामने और किसानों के सामने भी अवसर है। इस अवसर में दो चीज़ों से मुक्त रहना पड़ेगा, अहंकार से और हठ से। जब आप ही कह रहे हो तो आप ही ने दे दिया को नकली है, तो बात ही खत्म हो गई ना, समाज ही तो बात ही खत्म हो जाती है। देखो अब मैं इसके उत्तर में आपको उत्तर तो मैं जरूर दूँ, राम की मंदिर में आस्था रखना ये हमारा पेटेंट नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और जनसंघ बना है शायद 50s में, लेकिन राम हुए हैं 1973 में, और राम के नाम की धारा, तुलसीदास ने रामायण लिखी, वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, जो राम के भक्त हुआ करते थे वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, हरे राम 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 हरे हरे जिनने गाया चैतन्य महाप्रभु के समय पे, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हुए लोग नहीं थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर के आंदोलन में लगे रहे, लेकिन राम भक्ति पर पेटेंट का दावा हमने कभी नहीं किया ना, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी दावा करेगा, हमें कोई फर्क नहीं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश की सरकार तो वो सरकार थी जिसने बालिकाओं पर दुष्कर्म करने वाले लोगों को 40 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसियाँ दी, आपको खुद पता होगा। इसलिए हम अपनी तरफ से कठोरतम दंड देने में कमी नहीं छोड़ते, लेकिन अगर हमें इस प्रकार के आचरणों को बचाना है तो मैं फिर उसी बात पर आऊँगी, नशाबंदी। ये सब लोग इसी के शिकार हैं। जब इनकी हिस्ट्री निकाली जाती है, क्योंकि इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, तो उसमें यही बात निकलती है कि इनका दिमाग कम काम करता है क्योंकि ये नशे के आदमी हैं। और इसलिए मूल बात फिर नशाबंदी पे आ जाती है कि इसका जो मूल समाधान है कि स्त्री समाज को अगर निर्भय होकर के विचरण करने का कोई एग्जाम्पल मिलता है तो गुजरात का मिलता है कि गुजरात में रात में 12 बजे भी लड़कियाँ महिलाएँ खुलेआम घूमी हो, उन्हें कोई भय नहीं लगा, उसका कारण नशाबंदी रहा कि वो निर्भय होकर के विचरण कर सके। और मैं फिर उसी को रिपीट करूँगी कि घोर नशाबंदी के बाद में भी लोग पीते हैं, लेकिन जैसा नीतीश ने कहा ना कि फिर वो शहनशाह की तरह नहीं पीते, चोर की तरह पीते। लेकिन नशाबंदी का परिणाम ये होता है कि महिलाएं और बालिकाएं निर्भय होकर के विचरण करती हैं, सज्जन लोग निर्भय होकर के विचरण करते हैं। इसलिए मेरी इस पर आस्था है कि ये ऐसा होना चाहिए, इस पर कन्विक्शन है और मैं बिल्कुल आस्था के भाव से ही कर रही हूँ। इसके साथ अगर हम समाप्त कर दें तो बहुत अच्छा। ये संकल्प लेना फ्यूडल माइंड सेट है, ये सामंतवाद की सोच है कि हमने जैसा कहा वैसे ही होना, नहीं, हम सोचते हैं कि ऐसा होना और हम इस पर कायम रहेंगे, ये होना चाहिए। इसलिए मैंने खुद, मैं आपको बताऊँ, 2003 के चुनाव में बात आई थी कि इसको हम इलेक्शन एजेंडा में लेने के, तो जो हम लोग बना रहे थे मैनिफेस्टो, उन सबने कहा कि आप आंध्र का उदाहरण दे दो, तो हम क्या अच्छा अभी नहीं करते, हम तो वैसी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो सरकार बनाने की बात करते हैं। और मैंने पहले हफ्ते में ही बुला लिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।